अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को, सोचो लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा, उसकी कीमत कहां पहुंचा दी। जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है हर चीज महंगी हो जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, भाई हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब इतनी बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, जहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता था, बिजली सस्ती हो सकती थी, महंगाई पर नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते, इस सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को नहीं माना है, वही डॉक्टर रामन लोहिया जी का जो सिद्धांत था कि इनको हक और सम्मान मिल जाए, उस हक और सम्मान को भी छीना जा रहा है। चीजें बेची जा रही है, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई कोई खरीदने आ ही जाएगा, सब कुछ बेचना चाहती है सरकार। और ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए। इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का आज अपना कार्यालय हो गया है, लखनऊ राजधानी में कार्यालय हो गया, ये शुरुआत है। और थोड़ा बहुत अगर सहयोग और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आपका लखनऊ में तो नहीं दिल्ली में घर परमानेंट हो गया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, बड़े पैमाने पर लोगों के ठप्पा लगा दिया, पैसे लेकर के वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंदौली लोकसभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वोट लेने के लिए लोगों के हाथ पर उंगली पर स्याही लगा दी। बताओ ये वही बात है। इसलिए हमें आपको सबको मिलकर सावधान रहना पड़ेगा, वोटर लिस्ट भी ठीक रखनी पड़ेगी और समय पर जब वोट पड़ेगा उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर बैलेट वोटिंग होने जा रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जहां आपको दिल्ली में परमानेंट घर मिल जाता, लखनऊ में परमानेंट अभी आपकी किराए पे कार्यालय है, यहाँ सरकार बनाइए, परमानेंट कार्यालय पाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।